फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहे काफ़ी अरसा फवाद चौधरी और आज उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की राहें जुदा हो गई हैं, ऐलान कर दिया गया है फवाद चौधरी की जानिब से। अपडेट कर रहे हैं आपको, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आ गया है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत अरसा जो है वो शामिल रहे और बहुत एक्टिव कारकुन के तौर पर काम भी करते रहे, साबिक वफाकी वजीर भी रहे, लेकिन आज फवाद चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई दीगर रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उन्हीं में से एक नाम अब फवाद चौधरी का भी शामिल हो चुका है। अपडेट करें आपको, फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की टीम को इस वक्त क्या मुश्किलात हैं वो अभी जो है वो एबीएन न्यूज़ भी इस हवाले से आपको बताता चला आ रहा है और हम मजीद अपडेट भी आपको करते रहेंगे। फिलहाल की अपडेट ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सरकर्दा रुकन रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राह जुदा करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई है। फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा एक्टिव एक कारकुन के तौर पर काम करते रहे हैं, फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक बड़ी विकेट आज गिर गई है। फवाद चौधरी की जानिब से तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान सामने आ गया है। श्री मजारी की जानिब से भी ऐलान किया गया था, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक बड़ी विकेट थी, और आज फवाद चौधरी ने भी तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कोर टीम के जो मेंबर्स रहे हैं वो भी इस वक्त तहरीके इंसाफ जो है वो छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसमें श्री मजारी का नाम सफे अव्वल पर